शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वो है जो उसे आने वाली कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। कभी भी आज़ादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उससे विचार की आज़ादी प्राप्त न हो। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य की खोज में बाधा नहीं देनी चाहिए। 1962 में ग्रीस के राजा ने जब भारत का राजनयिक दौरा किया तो हमारे देश के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आइए महाराज, अतिथि के रूप में हमारे देश में आपका स्वागत है और आप पहले यूनान के यानी ग्रीस के राजा हैं जो हमारे देश में अतिथि के रूप में आए हैं, नहीं तो सिकंदर तो बिना बुलाए ही यहाँ आ गया था। इनकी बात सुन के सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो ऐसे थे हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नमस्कार, मैं हूँ संजीत कुमार गिरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जरा सोचो ऐसा क्यों। और सबसे पहले आज 5 सितंबर के दिन मैं उन सभी शिक्षकों को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी विद्यार्थियों के भविष्य को सुधारने और उनको बेहतर बनाने में बिता दिया। हरदम उनका ये विचार रहा, हरदम उनका ये कोशिश रहा, हरदम वो इस कार्य में लगे रहें कि हमारे देश के भविष्य को कैसे सुधारा जाए, यानी कि हमारे देश के भविष्य, हमारे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा कैसे दी जाए। तो उन सभी को मेरा आज नमन है। और साथ ही आज मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से जुड़े हुए कई ऐसी बातों को बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का छोटा सा परिचय। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 1888 5 सितंबर के दिन तमिलनाडु के एक गांव तिरुतनी में हुआ, एक ब्राह्मण तेलुगु परिवार में। उनके पिताजी राजस्व विभाग के एक कर्मचारी थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माँ का नाम सीताम्मा था। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और मैसूर और कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाने का भी काम किया था, यानी शिक्षण का भी काम किया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के रूप में भी वो कार्यरत थे। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही बहुत ही सम्मानित पद के लिए निमंत्रण भी दिया गया था। 1954 में भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित भी किया गया था। और सबसे बड़ी बात, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुल 11 बार उनका नामांकन हुआ था नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। 13 मई 1952 से लेकर 12 मई 1962 तक वह भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर शोभित रहे और 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक वह भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में पद को संभाला। और 1962 5 सितंबर पहला दिवस था जब से शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा, लेकिन इसके पीछे भी एक एक वाक्य है जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहूँगा। दरअसल हुआ क्या था कि जब उन्होंने राष्ट्रपति का पद स्वीकार किया, यानी पदभार संभाला था, तो उनके कुछ मित्रों ने और उनके पुराने पहले के विद्यार्थियों ने उनसे आग्रह किया कि उनके जन्मदिन को ये सभी मनाना चाहते हैं किसी उत्सव के रूप में। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ये सबके सामने अपनी ख्वाहिश रखी कि 5 सितंबर उनका केवल जन्मदिन न मना के पूरे शिक्षक वर्ग के लिए, यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में अगर मनाया जाए तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और उस दिन से 5 सितंबर उनका जन्मदिन पूरे भारत के साथ साथ बांग्लादेश, यानी उस समय ये बांग्लादेश के शिक्षकों को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा था। भारत और बांग्लादेश के शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए 5 सितंबर का दिन चुना गया शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए। तो अब बिना देरी किए चलते हैं आज के वीडियो के मुख्य अंश पे, यानी हमारा वीडियो का आज मेन पॉइंट क्या है उस पे चलते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें, हाँ, जो शायद ही आपको पता हो, ये वाक्य मैं आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा अंत तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, ऐसे वीडियो को पाते रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबाना पड़ेगा और अपने दोस्तों को इसे शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चलिए बढ़ते हैं आगे। राधा कृष्णन जी इतने मशहूर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, इतने ज़बरदस्त व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे कि जब वो मैसूर छोड़कर कलकत्ता यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए जाने लगे तो वहाँ के सभी विद्यार्थियों ने एक बग्गी को फूलों से सजाया था, पूरी बग्गी को, और उस पर बैठा के उन्हें अपने हाथों से सभी विद्यार्थी बारी बारी से खींचते हुए रेलवे स्टेशन तक उन्हें ले गया था। राधा कृष्णन जी का विवाह 16 साल की उम्र में ही कर दिया गया था। उनकी पत्नी का नाम शिवा कामू था
राधा कृष्णन जी के पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अंग्रेजी पढ़े, बल्कि उनकी इच्छा थी कि वह पंडित या पुजारी बने। लेकिन राधा कृष्णन जी इतने तेज थे कि उन्हें सबसे पहले तिरुपति के स्कूल भेजा गया, उसके बाद वेल्लोर। वे बेहद साधारण और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद भी वह अपने सैलरी यानी कि वेतन में से केवल एक हिस्सा रखते थे, बाकी वो राहत कोष को यानी प्रधानमंत्री राहत कोष को दान कर दिया करते थे। राधा कृष्णन जी के बारे में एक किस्सा है जो शायद ही आपको पता हो। वो एक बार चीन के दौरे पे गए थे तो वहाँ मशहूर क्रांतिकारी और विचारक कम्युनिस्ट दल के नेता माओ से मिले। मिलने के उपरांत उन्होंने माओ का गाल थपथपा दिया, इससे माओ हतप्रभ रह गए। लेकिन राधा कृष्णन ने यह कहकर सबका दिल जीत लिया कि वह इससे पहले स्टालिन और पोप के साथ ऐसा कर चुके हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह घोषणा कर रखा था कि सप्ताह के दो दिन कोई भी व्यक्ति उनसे बिना अनुमति के मिल सकता है। इस तरह उन्होंने राष्ट्रपति के द्वार आम आदमी के लिए भी खोल दिए थे। यही नहीं, वह अमेरिका व्हाइट हाउस अतिथि के रूप में हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। ऐसा करने वाला वो दुनिया के एकमात्र व्यक्ति थे। जब राधा कृष्णन जी भारत के राष्ट्रपति बने तो दुनिया के महान दार्शनिकों में से एक बर्ट्रैंड रसल ने काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का भारत का राष्ट्रपति बनना दार्शनिकों के लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है। प्लेटो ने भी दार्शनिकों के राजा बनने की इच्छा जताई थी और आज एक दार्शनिक भारत का राजा बन रहा है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति बना है, जिसे देख के मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है और ये भारत के लिए भी सम्मान की बात है। राधा कृष्णन जी के सेंस ऑफ ह्यूमर का भी कमाल नहीं था। इसकी तारीफ सभी करते थे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बन जाता था। 1962 में जब ग्रीस के राजा भारत में अतिथि के रूप में आए तो उन्होंने बहुत ही प्यार से उनका स्वागत किया, सम्मान से उनका स्वागत किया और उन्हें कहा कि आप भारत में आने वाले पहले ग्रीस के राजा हैं जिन्होंने अतिथि के रूप में यहाँ पे कदम रखा है, नहीं तो सम्राट सिकंदर तो यहाँ बगैर आमंत्रण के ही आप पहुँचे थे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और साथ ही शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी को ढेरों शुभकामना देना चाहूँगा और साथ ही शिक्षकों से यह आग्रह भी होगा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन मना देने से कुछ नहीं होगा। हम शिक्षकों का यह फर्ज भी बनता है कि जैसा उन्होंने एक मार्गदर्शन हम लोगों को दिखाया है उसको हमेशा कुछ बेहतरी की ओर ले जाएं। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को यह चाहिए कि अपना बहुमूल्य समय बच्चों को बहुत ही ईमानदारी से दें, इसमें कोई कोताही न बरतें, क्योंकि सभी बच्चे इस देश के हमारे ही अपने कहीं ना कहीं हैं। हमारे देश का भविष्य हमारा भविष्य है। तो शिक्षा को व्यवसाय न बनाएं, शिक्षा को बिजनेस न बनाएं, शिक्षा को शिक्षा रहने दें और बच्चों के लिए जितना हो सके समय उचित तरीके से दें, रटंत विद्या को समाप्त करें और व्यवहारिक ज्ञान को उनके जीवन में ढालने का प्रयास करें। हम शिक्षक चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। कमेंट करके सभी ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।